मूवी की शुरुआत में हम स्टैंटन नाम के शख्स को देखते हैं, जो एक लाश को अपने घर में दफनाकर वहां आग लगा देता है, जिसके बाद वो एक बस पकड़कर कार्निवल में जाता है, जहां उसे क्लेम नाम का आदमी मिलता है जो एक सर्कस का मालिक होता है। क्लेम इस सर्कस में आए हुए लोगों को एक शख्स के बारे में बताता है जो बहुत खूंखार है, और तभी पीछे का पर्दा हटता है और अब हम एक इंसान को देखते हैं जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक नरभक्षी होता है। अब क्लेम एक मुर्गा उसके पास फेंकता है, जहां देखते ही देखते वो नरभक्षी उस मुर्गे को जिंदा ही निगल जाता है, जो देखकर सभी काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिसके बाद सेंटन जब यहां से जा रहा होता है कि तभी उसके पास दो लोग आते हैं जिनके नाम ब्रूनो और जेम्स होते हैं। वो सेंटन की हालत देखकर उसे इस सर्कस में काम करने का ऑफर देते हैं, जिस पर सेंटन हाँ कर देता है। फिर सेंटन एक तंबू लगाने में उनकी मदद करता है, जिसके बाद वो क्लेम के पास जाता है, जहां क्लेम उसे कुछ पैसे देता है, और तभी उसकी नजर स्टैंटन के रेडियो पर पड़ती है, जिसे वो खरीदने की इच्छा जाहिर करता है, और काफी जिद करने पर स्टैंटन अपना रेडियो उसे बेच देता है। अब स्टैंटन उन्हीं सर्कस वालों के साथ रहने लगता है, और फिर एक दिन उसे ये पता चलता है कि वो नरभक्षी सर्कस से भाग गया है और सब उसकी तलाश कर रहे हैं। इस पर वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहां कुछ दूर मौजूद एक सुरंग से काफी अजीब सी आवाजें आ रही होती है, इसलिए स्टैंटन उस सुरंग में चला जाता है, जहां उसे वही नरभक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। तब स्टैंटन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो स्टैंटन को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां क्लेम भी आ जाता है, और अब ये दोनों मिलकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। इधर क्लेम देखता है कि स्टैंटन के सिर पर चोट आई है, इसलिए वो उसे दवा लगाने को कहता है, पर स्टैंटन इसके लिए मना कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्टैंटन को एक सपना आता है, जिसमें वो अपने पिता को देखता है। दरअसल मूवी के शुरुआत में हमने जो लाश देखी थी वो स्टैंटन के पिता की थी, जो काफी नशा किया करते थे, जिससे परेशान होकर स्टैंटन ने रात के समय उनका कंबल छीन लिया और ठंड लगने के कारण उसके पिता की मौत हो गई। अब अगले दिन हम स्टैंटन को एक लड़की ने मौली से बात करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए घूमने लगता है। अब आगे जाकर वो एक औरत से मिलता है, जिसका नाम जीना होता है। दरअसल जीना भी एक कलाकार होती है, जो लोगों का चेहरा देखकर उनके मन की बातें बताया करती है। अब जीना स्टैंटन को अपने पति पीट से मिलवाती है, जहां उसे ये पता चलता है कि असली कला तो पीट के अंदर है, जबकि जीना तो बस पीट की बातें ही लोगों को बताया करती है। फिर पीट के जाने पर जीना स्टैंटन से बताती है कि मैं पीट के दारू पीने की आदत से काफी परेशान हूँ। और इधर दूसरी तरफ हम मौली को एक बिजली का करतब देखते हुए देखते हैं, जिसमें वो हाई वोल्टेज की बिजली को अपने शरीर से पास कराकर लोगों का मनोरंजन करा रही होती है, जो देखकर स्टैंटन काफी आश्चर्यचकित रह जाता है। अब अगले सीन में स्टैंटन जीना की मुलाकात क्लेम से करवाकर उसे जीना की खूबियों के बारे में बताता है, जिस पर क्लेम जीना और पीट को उनके शो में काम करने का ऑफर देता है, जिसके अगले ही दिन हम जीना का स्टेज शो देखते हैं, जहां वो भीड़ में ही खड़ी एक लड़की के बारे में बता रही होती है। जबकि सच्चाई यह है कि पीट उस स्टेज के नीचे से जीना को उस लड़की के बारे में बता रहा था, जो देखकर स्टैंटन पीट से काफी प्रभावित होता है और उसके पास ये कला सीखने के लिए जाता है। वहीं पीट भी उसे ये कला सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताता है, जिसमें वो अपनी जान तक खो सकता है। जिस पर स्टैंटन साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करके पीट से मन को पढ़ने की कला सीखने लगता है। फिर उसी रात हम स्टैंटन को एक कागज में कुछ ड्रॉ करते हुए देखते हैं, जिसके अगले दिन वो उसी कागज को लेकर मौली के पास जाता है और उससे उसके करतब को थोड़ा बदलने के लिए कहता है, जिससे कि दर्शकों को कुछ नया देखने को मिले, जिस पर मौली स्टैंटन की बातें मान लेती है। वहीं जब वो स्टैंटन के बताए तरीके से अपना करतब करती है, तो उस करतब को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो देखकर क्लेम और मौली दोनों ही काफी खुश होते हैं। अब क्लेम स्टैंटन को एक जगह दिखाता है जहाँ काफी शराब रखी हुई थी। क्लेम उसे बताता है कि यहाँ पर एक तरफ असली शराब रखी हुई है, जबकि दूसरी तरफ नकली, जिसे पीने से लोग मर भी सकते हैं, और ये नकली शराब उसने नरभक्षी के लिए मंगवाई है। जिसके बाद स्टैंटन वापस से पीट के पास जाता है, जहाँ पीट उसे दिमाग पढ़ने की कला सिखाता है, पर वो उसे वो किताब नहीं दिखाता जिसमें दिमाग पढ़ने की सारी कला बताई गई है। अब स्टैंटन यहाँ से निकलकर वापस जा ही रहा होता है कि रास्ते
रास्ते में उसे एक क्लैम मिलता है जो उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां बहुत सारे जार्स में अजीब सी चीज देखते हैं। यहां क्लैम उसे एक स्पेशल जार दिखाता है जिसमें एक बच्चा बंद होता है और उस बच्चे का सिर उसके शरीर से काफी बड़ा होता है और उसके माथे पर एक तीसरी आंख भी होती है। स्टैंटन अब उस बच्चे के बारे में क्लैम से जानने की कोशिश करता है पर क्लैम उसे कुछ भी नहीं बताता। अब अगले दिन हम जीना के घर के सामने लोगों की भीड़ देखते हैं क्योंकि उसका पति पीट मर चुका होता है पर किसी को भी उसके मरने की असली वजह नहीं पता चल रही थी। दरअसल स्टैंटन ने पीट को शराब की एक बोतल दी थी जो वही नकली शराब थी जिसे क्लैम ने नरभक्षी के लिए मंगवाया था। इधर स्टैंटन चुपके से पीट की किताब को चुरा कर वहां से चला जाता है और फिर वो उस किताब की मदद से मन को पढ़ने में माहिर हो जाता है, जिसके बाद वो मौली से मिलकर अपना खुद का एक शो बनाने के लिए कहता है, जिस पर मौली उसके साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब काफी साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम स्टैंटन को देखते हैं जो काफी बड़ा कलाकार बन चुका है और मौली उसकी असिस्टेंट के रूप में काम कर रही होती है। फिर एक दिन जब स्टैंटन सबके सामने अपनी कला दिखा रहा होता है कि तभी भीड़ में से एक महिला निकलती है जिसका नाम लिलित होता है और वो स्टैंटन को उसके बैग के अंदर की चीज बताने के लिए कहती है, जिस पर स्टैंटन उस बैग में क्या है ये बता देता है जिससे लिलित स्टैंटन से काफी प्रभावित होती है, जबकि स्टैंटन सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद स्टैंटन एक जज के पास जाकर उसे उसके बारे में बताने लगता है, जो सुनकर जज को भी उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है क्योंकि उसने अपना एक बेटा खोया होता है और स्टैंटन उसके बेटे के बारे में उसे बता रहा होता है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो स्टैंटन को जज के पास ले जाता है क्योंकि वो उससे मिलना चाहते थे, जिस जगह पर लिलित भी होती है, जिसके बाद जज उसकी काफी बड़ाई करने लगते हैं और फिर वो एक बार उसके घर आए ऐसा कहकर जज वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद लिलित स्टैंटन को अपना कार्ड देती है जिसमें उसकी ऑफिस का पता लिखा होता है। फिर कुछ दिनों बाद हम स्टैंटन को लिलित के ऑफिस में देखते हैं जहां उसे ये पता चलता है कि लिलित एक साइकियाट्रिस्ट है। यहां लिलित स्टैंटन से मन पढ़ने की कला के बारे में पूछती है, जिस पर स्टैंटन उसे पीट की किताब दिखाता है जो विज्ञान पर आधारित होती है। अब इस बात से लिलित उसे एक धोखेबाज समझने लगती है क्योंकि स्टैंटन विज्ञान का सहारा लेकर लोगों को यह दिखाता है कि मानो वो कोई जादूगर हो, जिसके बाद लिलित स्टैंटन से उसके परिवार के बारे में सवाल करती है और जैसे ही वो उसके पिता के बारे में पूछती है तो स्टैंटन गुस्से में वहां से अपने घर चला जाता है जहां उसके घर में ब्रूनो, जेम्स और जीना होते हैं जो दरअसल मौली से मिलने के लिए आए होते हैं। वहीं स्टैंटन अपने पुराने साथियों को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो सभी बातें करने लगते हैं, जहां बातों ही बातों में जीना उसे कुछ कार्ड चूज करने को कहती है, जिस पर स्टैंटन एक कार्ड उठा लेता है जो देखकर जीना दंग रह जाती है और उसे बताती कि उसके बुरे दिन आज से शुरू हो गए, इसलिए वो जितने भी गलत काम कर रहा है उन्हें तुरंत ही बंद कर दे, जिस पर स्टैंटन कहता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अब आगे हम फिर से स्टैंटन को जज के घर पर देखते हैं जहाँ वो जज की पत्नी से उसके बेटे की बातें कर रहा होता है। स्टैंटन अब उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके बेटे से बात कर रहा है, जिसके बाद वहाँ जज आकर उसे कुछ पैसे देता है जो लेकर स्टैंटन वहाँ से निकल कर सीधा लिलित के ऑफिस पहुँचता है जहाँ वो लिलित से किसी इजरा नाम के शख्स के बारे में पूछता है, जिस पर लिलित उसे बताते कि इजरा बहुत खतरनाक आदमी है और तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद हम स्टैंटन को एक बार फिर जज के साथ देखते हैं जो उसे इजरा के पास ले जा रहे होते हैं। अब वहां पहुंचते ही इजरा का गार्ड स्टैंटन की तलाशी लेकर उसे एक कुर्सी पर बिठा देता है, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं जिस कारण वो बहुत घबरा जाता है, जिसके बाद वहां इजरा आता है जो उसे शांत रहने के लिए कहकर ये बताता है कि ये कुर्सी झूठ पकड़ने वाली मशीन है, जिसके बाद इजरा उससे बहुत से सवाल करता है जिस पर स्टैंटन उन सभी सवालों के सही जवाब देता है, जिससे इजरा को स्टैंटन पर विश्वास होने लगता है। अब स्टैंटन इजरा को किसी लड़की की आत्मा के बारे में बताता है जो उसके आसपास ही भटक रही है और उस लड़की का नाम डोरी है, जो सुनकर इजरा को स्टैंटन पर और भी विश्वास होने लगता है। वहीं स्टैंटन अब वापिस से लिलित के पास आकर उसे इजरा के बारे में और भी जानकारी देने के लिए कहता है, पर लिलित कुछ और भी बताने से साफ मना करते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद स्टैंटन उसके ऑफिस
ऑफिस की एक नकली चाबी बनवा लेता है और रात के समय उसकी ऑफिस में आकर इजरा के बारे में पढ़ने लगता है, जहां वो इजरा की पत्नी की तस्वीर देखता है जो हूबहू मॉली की तरह होती है। अब स्टैंटन वापस से इजरा के पास जाता है जहां वो डॉरी के कुछ कुछ बातें बताने लगता है जो उसने कल रात पढ़ा होता है, जिससे प्रभावित होकर इजरा उसे डॉरी की आत्मा से मिलवाने के लिए कहता है वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिस बात को सुनकर स्टैंटन काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने से था कि तभी इजरा उसे रोक कर कुछ पैसे देता है ताकि वो उसे डॉरी से मिलवा सके। इधर स्टैंटन लिलिथ के ऑफिस पहुंचता है जहां वो उसे ये बताता है कि इजरा ने उसे धमकी दी है कि यदि मैंने उसे डॉरी से नहीं मिलवाया तो वो मुझे मार देगा। जिस बात पर लिलिथ कहती कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। जिसके बाद स्टैंटन लिलिथ के पास इजरा के दिए हुए पैसे रखकर अपने घर चला जाता है। फिर घर पहुंचकर वो सारी बात मौली को समझाता है और उसे डॉरी बनने के लिए कहता है, जिस पर मौली उसे साफ इनकार कर देती है, लेकिन बार बार जिद करने पर वो मान जाती है। और तभी वहां पर इजरा का गार्ड आकर स्टैंटन को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वापस घर आने पर उसे मौली कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि वो घर छोड़कर जा चुकी थी। पर जाने से पहले उसने खत छोड़ा था जिसमें ये लिखा होता है कि अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती, जो पढ़कर वो सीधे रेलवे स्टेशन जाता है जहां मौली अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। अब यहां स्टैंटन उसे बताता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मारा जाऊंगा, जिस पर मौली आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जज और उसकी पत्नी को देखते हैं जो अपने बेटे से मिलने के लिए एक दूसरे को गोली मार देते हैं ताकि वो ऊपर जाकर उससे मिल सके। वहीं इस तरफ स्टैंटन मौली को हूबहू डॉरी की तरह तैयार करके उसे कुछ देर बाद पीछे के रास्ते से अंदर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं अब स्टैंटन इजरा को डॉरी की शक्ल याद करने के लिए कहता है, जिस पर इजरा ऐसा ही करता है। और तभी पीछे के रास्ते से मौली वहां आ जाती है, जिसे देखकर इजरा रो पड़ता है, लेकिन डॉरी के पास जाते ही उसे सब समझ जाता है कि ये सब स्टैंटन की एक चाल है जिस वजह से वो मौली पर हमला कर देता है। और इस जवाब में स्टैंटन मौली को बचाते हुए इजरा की जान ले लेता है। और इतने में इजरा का गार्ड भी वहां आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो किसी तरह से बचते हुए अपने गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। फिर स्टैंटन उस गार्ड को गाड़ी से कुचलकर मार देता है और अब कुछ दूर जाकर मौली गाड़ी से उतरकर वहां से चली जाती है क्योंकि अब वो स्टैंटन का साथ नहीं दे सकती। वहीं स्टैंटन अब लिलिथ के ऑफिस जाता है जहां पर उसने अपने पैसे रखे होते हैं जिन्हें लेकर वो शहर को छोड़ सके, पर लिलिथ उसके सारे पैसे गायब कर देती है। और अब इस बात से स्टैंटन काफी गुस्सा हो जाता है और वो लिलिथ से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर वो बताती कि तुमने अपने शो में सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। जिस गुस्से में स्टैंटन उसका गला दबाने लगता है, लेकिन इतने में लिलिथ एक अलार्म बजा देती है जिससे कि बाहर खड़े गार्ड अंदर आकर स्टैंटन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब वो किसी तरह उनसे बचते हुए वहां से भाग निकलता है और एक ट्रेन में जाकर छिप जाता है। फिर कई दिन बीत जाते हैं और वो उसी ट्रेन में छुपे हुए अपने सारे पापों को याद कर रहा होता है, जिसके बाद एक दिन स्टैंटन को एक कागज मिलता है जिसमें सर्कस के बारे में लिखा होता है। तब स्टैंटन उसी सर्कस में जाता है जहां वो उसके मालिक से किसी नौकरी के लिए सवाल करता है, पर वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। पर तभी स्टैंटन उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है, जिस पर तरस खाकर सर्कस का मालिक उसे नरबख्शी की नौकरी करने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे खाना और रहने की जगह भी देगा, जिस पर स्टैंटन नरबख्शी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वो उस नकली शराब को पीने लगता है जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो इसमें स्टैंटन नाम का आदमी जो अपने पिता के नशे करने की आदत को लेकर परेशान था, जिस कारण उसने अपने पिता को कड़कते ठंड में मार डाला। फिर वो सर्कस में नौकरी करने लगता है जहां उसकी मुलाकात मौली और पीट से हुई, और यहां पीट ने उसे एक किताब के बारे में बताया जिसमें ऐसे तरीके लिखे थे जिससे वो सामने वालों को ऑब्जर्व करके उसके मन की बात गैस कर सकता था, जिस पर स्टैंटन ने उस किताब के लिए पीट को जहरीली शराब देकर मार दिया। और फिर वो खुद अपना शो करने लगा जहां वो लोगों से ये झूठ कह रहा था कि मैं आपके परिवार की मृत लोगों से बात कर सकता हूं। और ऐसा कहकर वो
लोगों से पैसे ठगने लगा। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात जज से हुई, जिससे स्टैंटन ने इतने झूठ बोले कि जज और उसकी पत्नी ने अपने मृत बेटे से मिलने के लिए खुद की जान ले ली। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, और अपने झूठ के चलते स्टैंटन की मुलाकात जब इजरा से हुई तो इजरा ने डोरी की आत्मा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसमें चालाक स्टैंटन ने मौली की सहायता ली। पर आखिरकार उसकी चोरी पकड़ी गई, जहां उसने इजरा की हत्या कर दी, और इस तरह स्टैंटन के पाप बढ़ते गए। पर आखिरकार उसके सारे पाप की सजा उसे मिली, जहां वो पागल होकर नरभक्षी की तरह जिंदगी बिताने में मजबूर हुआ। और आज के वीडियो में इतना। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।